हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में नेट एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द एट फोल्ड नोबल पाथ गिवन बाय बुद्धा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक पथों में कौन सा सम्यक ज्ञान का आधार है, कौन सा है? उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट स्पीच, राइट एक्शन, सही भाषण और सही कार्रवाई, राइट एक्शन एंड राइट लिविंग, सही कार्रवाई और सही क्रिया और सही जीवन, राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन, सही विचार और सही एकाग्रता, एंड राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। तो यू हैव टू चूज द राइट आंसर, सो एवरीथिंग राइट इज हियर, सो इट इज आंसर इज राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। ये कैसे है, इसको हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो है ना, वो बुद्धा का टीचिंग है, जो कि फोर उनका नोबल ट्रूथ है। उनका नोबल ट्रूथ जो फोर है, उसको बुद्धा के टीचिंग का समरी माना जाता है। तो सिंपल टर्म में वो जो है नोबल ट्रूथ, जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है, उसमें पहला है द ट्रूथ ऑफ माय मिजरी। ये सब आपका, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, ठीक है? तो ये जो नोबल ट्रूथ है, फोर नोबल ट्रूथ में ट्रूथ ऑफ मिजरी, जिसको दुख कहते हैं, द ट्रूथ ऑफ मिजरी, इसको हिंदी में दुख कहते हैं, ठीक है? दूसरा है द ट्रूथ ऑफ कॉज, ठीक है, जिसका हिंदी है समुदाय। तीसरा है द ट्रूथ ऑफ सेसेशन, जिसको निरोध कहा गया, और चौथा है द ट्रूथ ऑफ पाथ, जिसे मार्ग बताया गया, ठीक है? तो बुद्धा का जो है ना, कि ट्रूथ ऑफ पाथ जो है, वो जनरली नोबल एट फोल्ड ट्रूथ ऑफ पाथ को ही नोबल एट फोल्ड पाथ कहा गया है। इसे दूसरे कलर से लिखते हैं। ये भी है कि आपका ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि नोबल एट फोल्ड पाथ कहाँ, नोबेल एट फोल्ड पाथ किसको कहा जाता है, चार जोन के नोबेल ट्रूथ है, उसमें से कौन सा नोबेल एट फोल्ड पाथ कहा जाता है, किसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इस किसको कहते हैं, द ट्रूथ ऑफ पाथ, पथ, द ट्रूथ ऑफ पथ जो है ना, उसे ही नोबेल एट फोल्ड पथ के नाम से जाना जाता है। उनको कभी कभी कुछ बुक में तीन तीन फोल्ड में बताया गया है, तीन ग्रुप में बताया गया, जिसमें कि एक है विजडम, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विजडम मतलब बुद्धि, मोरलिटी। दूसरा है, इसका तीन ग्रुप में ये बांटे हुए हैं, तो पहला हुआ बुद्धि, दूसरा हुआ शील, मोरलिटी, इसको हम हिंदी में लिखेंगे शील, बुद्धि, शील, और तीसरा है मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में समाधि कहेंगे, ठीक है? मतलब कहने का है कि बुद्धा के जो चार नोबेल फेथ ट्रूथ है, उसमें ट्रूथ ऑफ माइजरी, ट्रूथ ऑफ कॉज, ट्रूथ ऑफ सेसेशन एंड ट्रूथ ऑफ पाथ, जैसे मतलब ट्रूथ ऑफ माइजरी दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। तो जो ट्रूथ ऑफ पाथ है, वो एट फोल्ड में बटा हुआ है, आठ हिस्सों में बटा हुआ है, ये ट्रूथ ऑफ पाथ का ही आठ हिस्सा है, ठीक है? और कुछ बुक इनको तीन ग्रुप में बांटे हैं, एट पाथ जो है एट फोल्ड को, उसको तीन ग्रुप में डाला है, जिसमें शील, बुद्धि, शील और समाधि, मतलब विजडम, मोरलिटी एंड मेडिटेशन में बांटा है। तो ये जो आठ पाथ हैं, वो एट फोल्ड पाथ जो है, वो क्या क्या है, तो सम्यक, अब यहाँ पर लिखना मुश्किल है तो मैं बता रही हूँ, सम्यक दृष्टि,
मतलब राइट फेथ सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व सम्यक वाक, सही बोलना सम्यक बोलना, राइट स्पीच राइट कंडक्ट सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति याद रखना, राइट कंसंट्रेशन सम्यक समाधि। तो ये सारी चीजें, तो ये राइट फेथ जो है ना, और राइट फेथ या राइट व्यू कहते हैं जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, ये है कि चार नोबल ट्रूथ को ग्रेस्प करना और एक्सेप्ट करना, और फॉल्ट जो भी चीज है जो गलत है उसको रिजेक्ट करना, इमोरल चीजों को रिजेक्ट करना, राइट फेथ हुआ। राइट रिजॉल्व क्या है? राइट रिजॉल्व है माइंड का डिसीजन जिसको हम सम्यक संकल्प कहते हैं। राइट फेथ को हमने क्या कहा? सम्यक दृष्टि, ये है सम्यक दृष्टि। और राइट रिजॉल्व क्या है? सम्यक संकल्प। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये माइंड का ये डिसीजन है कि क्या फॉलो करना है, जैसे क्या प्रैक्टिस करना है। तो राइट फेथ इम्प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि यह एक्टिव माइंड का पार्ट नहीं होता है, इसलिए राइट रिजॉल्व की ड्यूटी है कि वो माइंड को इस तरह एक्टिव करे, इस रास्ते में चलाए माइंड को। तो कहता है कि थॉट जो है ना, थॉट ऑन फ्रेंडशिप गुडविल थॉट ऑफ नॉन हार्मिंग, ये सब होता है राइट रिजॉल्व। बाकी जो है राइट स्पीच सम्यक वाक मतलब सही बोलना, राइट कंडक्ट मतलब है कि प्रैक्टिशनर को रॉन्ग एक्शन से बचना है, राइट लिवलीहुड मतलब कि ऑनेस्ट मीन से जीवन चलाना, और राइट एफर्ट का मतलब है कि जो मन में फॉल्स और एविल बुरे विचार आते हैं उन्हें चेक करना, और राइट अवेयरनेस का मतलब है कि बॉडी का अवेयरनेस, ब्रीदिंग मूवमेंट इम्प्योरिटी जो भी है उसके प्रति अवेयरनेस, और राइट कंसंट्रेशन का मतलब है कि सभी पेन और प्लेजर के सेंसेशन से ऊपर उठना। तो ये बहुत हाईएस्ट है। तो फर्स्ट टू ऑफ द एट फोल्ड पाथ जैसे राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व को दोनों को मिलाकर हम, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? प्रज्ञा। ये दोनों ही मिलकर बुद्धि बनते हैं, इसलिए ये कॉन्शियसनेस और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ जो है राइट स्पीच राइट कंडक्ट और राइट लाइवलीहुड, ये शील को बताते हैं। मतलब पहला दूसरा है बुद्धि से जुड़ा हुआ, तीसरा चौथा पांचवा जो पाथ है वो शील से जुड़ा हुआ है, मॉरलिटी से जुड़ा है, और लास्ट थ्री जो है राइट एफर्ट राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन, ये समाधि से जुड़ा है जो कि मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से को बताता है। तो इस तरह से हमने बुद्ध के आठ फोल्ड सभी पाथ को जाना। अगला क्वेश्चन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप समझ पाएंगे। अब ये राइट फेथ बुद्धि का है और प्रज्ञा का, और राइट रिजॉल्व जो है वो समय संकल्प की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैपो बिल्डिंग विल बी एम्फेसाइज्ड इन विच ऑफ द काउंसलिंग पैराडाइम, किस परामर्श प्रतिमान में तालमेल, जो एक दूसरे के साथ तालमेल निर्माण किया जाता है, तो किस तरह के काउंसलिंग में जोड़ दिया जाएगा? पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, व्यक्ति केंद्रित परामर्श में डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशक परामर्श, व्यवहारवादी परामर्श दृष्टिकोण, या तर्क संगत या रैशनल काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जो कि जिसका एक शुरुआत होता है, फिर बीच मध्य आता है और अंत होता है। यह क्या होता है कि सबसे पहले ये शुरू कैसे होता है काउंसलिंग, तो इसमें क्लाइंट और जो फ्रेंड्स क्लाइंट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है जो काउंसलर है उसको, और उसके बाद फिर अपने काउंसलिंग का इफेक्टिवनेस को वो फाइंड करता है कि किस तरह से ये काउंसलिंग। तो सबसे पहला क्या होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले तालमेल बिठाना होता है क्लाइंट का, काउंसलर जो है अपने क्लाइंट के साथ तालमेल बिठाता है, फिर समस्या को समझता है, फिर गोल सेट करता है, और उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज बनाकर उसको काउंसलिंग करता है, और उसके बाद काउंसलिंग खत्म होती है तो फिर वो फॉलो अप करता है। तो ये रैपो बिल्डिंग जो होता है ना, ये जब रैपो इस्टेब्लिश किया जाता है, ये पहला स्टेप होता है जब हम तालमेल बिठाते हैं क्लाइंट के साथ।
तो इसमें है कि क्योंकि काउंसलिंग में क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है, ये रिलेशनशिप ऐसा है कि क्लाइंट को हम हेल्प करते हैं, तो क्लाइंट को क्या यहाँ पर जरूरत होती है, जो क्लाइंट होता है वो उसको काउंसलर के साथ काउंसलर पर ट्रस्ट पैदा करना होगा। क्लाइंट काउंसलर क्लाइंट वो अपने प्रति ट्रस्ट पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए क्या होगा कि एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, ताकि जो क्लाइंट है वो काउंसलर पर ट्रस्ट कर सके। और ये इसका जो तालमेल बिठाने का है, ये काउंसलिंग के सफलता को निर्धारित करता है। सक्सेस ऑफ काउंसलिंग इस पर निर्भर करता है। तो काउंसलिंग रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिप हो जाता है, जिसमें कि यह सोशल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि क्लाइंट और काउंसलर दोनों आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। तो यह रिलेशनशिप किस चीज़ पर आधारित होता है? क्लाइंट का काउंसलर पर ट्रस्ट। तो ट्रस्ट, एम्पैथी, क्योंकि क्लाइंट की जो भी समस्या है उसको अगर काउंसलर एम्पैथी के साथ नहीं सुनेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एम्पैथी, वार्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ और कॉन्फिडेंशियल भी ये होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच, ये कंटिन्यूअस होता है और ये इस ट्रस्ट पैदा करता है, और जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन के लिए आशा पैदा करता है। तो क्लाइंट ही को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या करना है, उसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर है रैशनल काउंसलिंग। रैशनल काउंसलिंग इज द आंसर। वो क्या होता है इसको हम समझते हैं। रैशनल काउंसलिंग बिहेवियर थेरेपी को पहले रैशनल थेरेपी कहा जाता था, रैशनल थेरेपी भी इसको कहा जाता था। इसमें क्या होता है कि रैशनल इमोटिव थेरेपी भी कहा गया। ये 1990 में फिर इसका नाम बदलकर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहा गया। इस थ्योरी को किसने दिया था, किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड हुआ था? तो ये एल्बर्ट एलिस के द्वारा, एल्बर्ट एलिस ने इसे 1962 में डेवलप किया था। ये प्रैक्टिस को कहते हैं REBT। इसको ये भी आपका एक क्वेश्चन है, REBT थ्योरी भी कहते हैं। REBT का मतलब होता है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। इसे REBT भी कहा जाता है। ये किस चीज पर फोकस करता है सबसे ज्यादा? इमोशनल बिहेवियर फंक्शन ऑफ मनुष्य के जो इमोशनल संवेगात्मक बिहेवियर फंक्शन होता है, उस पर ये जोर देता है। और वो इस ये ध्यान रखता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। इसमें क्या है कि ये जो भी इवेंट्स है इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति है उसका रिएक्शन को चेक किया जा सके। तो REBT जो है ना, वो पर्सन का बायोलॉजी को भी देखता है और उसके फीलिंग्स को भी समझता है और उसके इनबॉर्न टेंडेंसीज को देखता है कि किस तरह से वो किस पैटर्न में वो रिएक्ट करता है, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो उसको कैसे प्रभावित करते हैं, उसका बिलीफ पैटर्न क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए, उसके बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस को, इसके अलावा उसने क्या उसकी लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ कैसी है, इन सब चीजों को देखता है REBT टेक्निक में। तो ये ABCD टेक्निक पर आधारित होता है। इसका ये किस चीज पर आधारित होता है? REBT जो है ना, इसका टेक्निक ABCD टेक्निक पर आधारित होता है। ABCD टेक्निक, अभी ABCD टेक्निक क्या होता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ABCD टेक्निक में ए हो गया एक्शन। एक्शन मतलब कि अगर आपने कोई एक्शन, फिर मान लीजिए एक्शन, आपने कार एक्सीडेंट कर दिया, क्रैश कर दिया, ठीक है, आपने कार एक्सीडेंट
डेंट कर दिया, तो दूसरा आपका बिलीफ क्या होगा? तो बिलीफ एक्शन के बाद बिलीफ है कि यू आर ए बैड ड्राइवर। आपने कार क्रैश कर दिया तो आपको यह मान, आप बिलीव करते कि मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। फिर तीसरा है सी, कॉन्सिक्वेंसेस। इसका परिणाम क्या हुआ कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दिए, कि दूसरा एक्सीडेंट ना हो जाए। चौथा है डिस्प्यूट, ए बी सी डी हो गया ना। तो डिस्प्यूट में है कि काउंसलर डिस्प्यूट करता है कि आप एक बैड ड्राइवर हैं, और कहता है कि हर व्यक्ति जो भी गाड़ी चलाता है उसका एक ना एक एक्सीडेंट होता ही है ड्राइविंग में। तो ये आरईबीटी का गोल क्या है, काउंसलिंग करना एबीसीडी मॉडल में। इससे क्या होता है कि काउंसलर क्या करता है कि जो क्लाइंट है उसका जो एक रैशनल थिंकिंग है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो अब बैड ड्राइवर है, इसको रैशनल थिंकिंग के साथ रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो इसमें क्या हुआ कि रैपो बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, रैशनल काउंसलिंग में। क्यों? क्योंकि ये तर्क संगत परामर्श में रैपो बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि क्लाइंट का जो इमोशनल बिहेवियर है वो, क्लाइंट में जो इमोशनल बिहेवियर और वो सोच रहा है कि वो अच्छा ड्राइवर नहीं है, तो इस चीज़ को क्लाइंट काउंसलर पर ट्रस्ट करता है और काउंसलर उसको हेल्प करता है इसमें इस कॉन्फिडेंस को लाना है। तो बिहेवियर काउंसलिंग जो होता है ना वो कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलिंग जो होता है, बिहेवियरल काउंसलिंग कॉग्निटिव बिहेवियर में के साथ डील करता है, जिसमें काउंसलर क्या करता है कि क्लाइंट के बिहेवियर को स्टडी करता है और उस बिहेवियर को स्टडी करने के बाद वो क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो, ताकि वो बिहेवियर को स्टॉप करे या उसको और अच्छा वो रीइन्फोर्स करे कि ताकि वो उस बिहेवियर को अच्छा है तो मतलब जारी रखे या उसे चेक करे। तो इस काउंसलिंग में, इस तरह के काउंसलिंग में रैपो बिल्डिंग जरूरी होती है एज कम्पेयर। तो इसमें क्या है कि ये काउंसलिंग हो गया रैशनल काउंसलिंग। अब पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में क्या होता है, जो ऊपर है दिया हुआ है ऑप्शन वो भी हम देख लें कि इसमें कोई अप्रोच ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट को ज़्यादा लीड लेने का मौका दिया जाए। यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने अपना मतलब क्या है कि क्लाइंट को, यहाँ पर्सन सेंटर्ड में क्लाइंट को ही मौका दिया जाता है कि वो लीड लें और अपना सॉल्यूशन ढूंढें। यहाँ थेरेपिस्ट केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, वो क्लाइंट को ही मोटिवेट करता है या बोल अपना वो फोर्स करता है या लीड करता है कि अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। वो सुनता है लेकिन जजमेंटल नहीं होता है यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है, और उनके क्लाइंट के एक्सपीरियंस को सुन लेता है, उसे दूसरे डायरेक्शन में नहीं घुमाता है। यहाँ थेरेपिस्ट को क्या काम करना है पर्सन सेंटर्ड में, कि एनकरेज करना है क्लाइंट को और गाइड करना है। डायरेक्टेड काउंसलिंग में क्या होता है, यहाँ काउंसलर डायरेक्टेड काउंसलिंग होता है। यहाँ काउंसलर क्या करता है कि वो लीडर होता है और वो क्लाइंट को गाइड करता है और सॉल्यूशन देता है। ये काउंसलर ओरिएंटेड हो गया डायरेक्टिव काउंसलिंग। और बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच में क्या होता है कि इस ये अंडरस्टैंडिंग पर बढ़ता है और बिहेवियर को ये रीइन्फोर्स करता है। बिहेवियरिस्ट काउंसलिंग जो है कि रीइन्फोर्समेंट से बिहेवियर को वो मोटिवेट करता है और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट से चेक करता है या ड्रॉप करने के लिए। कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको चेक करने के लिए नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, और जो अच्छा बिहेवियर है उसको प्रमोट करने के लिए पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन का सहारा लेता है, और नकारात्मक पुनर्बलन के जरिए किसी बिहेवियर को छोड़ने के लिए जो नेगेटिव वो सही बिहेवियर नहीं है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग का उद्देश्य है डिजायरेबल बिहेवियर, जो वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना और उसे उसके उस दिशा में एनकरेज करना। तो यहाँ पर ये हो गया बिहेवियर एनालिसिस में तीन एबीसी मॉडल यूज होता है। इसमें कौन सा मॉडल होता है, एबीसी।
इसमें क्या होता है, एबीसी में एंटीसीडेंट इसका मतलब है कि क्या हुआ था, जो कि ये बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर क्यों हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, इसको जानना। दूसरा कि बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है क्लाइंट के, और तीसरा है कि सी बताता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर इज डी, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इससे हम काउंसलिंग को भी थोड़ा समझ लिए। अगला प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mentions different types of liberty for the people of India. Which type of liberty out of these have a direct bearing on practitioners in field of education? भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यास करने वालों पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो अभी हमें क्या बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो जो भारत का संविधान है ना, उसका सोशियो लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि वो लोगों को बहुत मतलब मल्टी फैसेटेड हेटरोजेनस सोसाइटी को बिलोंग करने वाले लोगों के प्रति वो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये जस्टिस, लिबर्टी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इसके प्रीएम्बल में दिखता है। तो भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें 73 वर्ड प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को गाइड करता है, उसके साथ साथ वो स्टेट पॉलिसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दिया गया है। तो ये क्या है कि कंट्री में फंडामेंटल राइट और दिया गया है यहाँ के लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एजुकेशन इन ए स्कूल, जहाँ पर स्टूडेंट को ये फ्रीडम दिया जाता है कि वो स्टूडेंट का फ्रीडम को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन को। सो लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है, वो बच्चों को अपने थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो लिबर्टी जो है ना, ये लिबर्टी क्या क्या चीज का, लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं, कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारा। तो लिबर्टी ऑफ थॉट जो है ना, वो क्या है कि ये हमें ये बताता है हमारी योग्यता को, अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है लिबर्टी ऑफ थॉट, और जो कि समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरत है। जिस इसलिए अगर किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं, इससे समाज में बदलाव के लिए हम अगर अपना ओपिनियन देते हैं, तो इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। ये इंडिविजुअल को अपने व्यू पॉइंट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्रता देता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, when by the possession and practice of right faith, knowledge, conduct and influx of fresh karmic matter is blocked, the state is called. जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक विकास, ज्ञान और आचरण के आधिपत्य और आचरण से ताजा कार्मिक मैटर कर्म द्रव्य प्रवाह रुकता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है?
तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लो जिसका अर्थ है अश्रुवा, बॉन्डेज बंद, स्टॉपेज सांवरा एंड वेयरिंग आउट जिसे निर्जरा कहते हैं। वेयरिंग आउट मतलब होता है यहाँ इसको हम पहने हुए नहीं करके वेयरिंग आउट ही लिखते हैं, छोड़ना, वेयरिंग आउट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जैन फिलॉसफी हमें क्या बताता है कि जैन फिलॉसफी बताता है कि रिलीजन जो है या धर्म जो है वो शाश्वत है, ये नष्ट नहीं होता है। द डार्कनेस ऑफ एरर क्या होता है कि ट्रूथ को, जो अंधकार है, गलती का अंधकार, या कहे कि जो भी अंधकार है नॉलेज या गलत धारणा का, वो इस ट्रूथ को थोड़े समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन तीर्थंकर फिर आ जाते हैं और वो बार बार आकर ये इस अंधकार को छांट देते हैं। तो तीर्थंकर का मतलब होता है ब्रिज मेकर। ब्रिज मेकर का मतलब है कि तीर्थ इज अ होली ब्रिज जो कि लोगों को लाइफ, जो संसार के, या तीर्थंकर का मतलब होता है होली ब्रिज, तीर्थंकर होली ब्रिज होता है जो कि लोगों को संसार के सागर से पार करते हैं, ये पुल का काम करते हैं लोगों को, जो जन्म और मृत्यु का जो बंधन है या संसार का जो बंधन है उससे मुक्त करते हैं। तो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24। ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या अपने अपने उनका अवतार हुआ और उन्होंने क्या जो लोगों में गलत थॉट जब बढ़ने लगता है तो वो अवतार लेकर इसे अंधकार को दूर करते हैं। पहला तीर्थंकर का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन है। तो पहले तीर्थंकर जो थे जैन के, उनका नाम था ऋषभ, और लास्ट थे महावीर। यह फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ एंड लास्ट थे महावीर। ये जैन, उनका नाम और उनके उनके प्रवचन और उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, और ये जैन पथ का क्या है, लिबरेशन है, मतलब जैन मृत्यु के बंधन से मुक्ति ही जैन धर्म का ज्वेल्स है। ये त्रिरत्न त्रय कहे जाते हैं जैन धर्म का, जो भी टीचिंग्स है उसे रत्न त्रय कहा जाता है, जिसे थ्री ज्वेल्स भी हम, जिसका मतलब होता है कि, जिसका मतलब हुआ थ्री ज्वेल्स जैन लिटरेचर में। पहला क्या है? पहला है राइट परसेप्शन, ये भी हम जान ले तो हमें काम आएगा, इससे जुड़ी भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला है राइट परसेप्शन जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? अवेयरनेस, हर चीज को, हर सब्सटेंस को, हर यूनिवर्स का, अपने को, सब कुछ के प्रति सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट। इसका मतलब है कि तीर्थंकर के प्रीचिंग में विश्वास रखना और उनके स्क्रिप्चर्स को जानना, राइट नॉलेज। उसके बाद आता है राइट परसेप्शन के बाद राइट नॉलेज, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये इनके रत्न त्रय है, थ्री ज्वेल्स। इसमें क्या है कि छह यूनिवर्सल सब्सटेंस एंटिटीज और नौ तत्व को मानते हैं, जिसमें उन्होंने अनेकांतवाद और स्यादवाद, दो चीजें जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जिस स्यादवाद बोलता है कि ज्ञान का लिमिटेशन के बारे में बताता है, और अनेकांतवाद क्या बताता है कि ओपननेस, एटीट्यूड ऑफ ओपननेस की बात करता है। और अगला है राइट कॉन्डक्ट, राइट कंडक्ट मतलब सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। ये क्या बताता है कि प्रॉपर एक्शन और प्रॉपर कंडक्ट, ताकि वो आदमी खुद को राग और द्वेष से मुक्त कर सके, सही आचरण करके वो अपने को राग द्वेष से मुक्त कर सके, अटैचमेंट एंड अवर्सन से मुक्त कर सके, ताकि वो परफेक्ट स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी या
मुक्ति का स्टेट पा सके, इसलिए पर्पस ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उन्होंने एथिकल कोड्स, रूल्स एंड डिसिप्लिन्स बनाए थे। तो ये जो त्रय रत्न है वो लिबरेशन को लीड करते हैं तीनों मिलकर। लेकिन हर इन तीनों में से हर एक जो है अगर अकेले अकेले भी फॉलो किया जाए तो ये, अगर अकेले फॉलो किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए ये इनकम्प्लीट है, इसलिए तीनों को मिलाकर फॉलो करना है। तो राइट फेथ राइट नॉलेज जरूरी है किस चीज के लिए, राइट कंडक्ट के लिए। तो इसलिए फ्रेश इस संसार में क्या उनका इनका आंसर होगा कि प्रैक्टिस राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, तीनों को मिलाकर अगर किया जाए तो फ्रेश कर्म का जो इन्फ्लक्स होता है वो रुक जाता है, आचरण में ताजा कर्म द्रव्य प्रवाह रुक जाता है और इसे हम कहते हैं संवरा, स्टॉपेज रुक जाता है, इसलिए इसका इसे संवरा या कहा जाता है। इसलिए आंसर इज सी। तो क्या है कि जैन सेंट्रल जैन धर्म का बिलीफ है कि कर्म और री इनकार्नेशन, मतलब कि अच्छा और बुरा कर्म पे इसका ज्यादा फेथ है और सेल्फ कहता है कि आत्म को हम कैसे पॉल्यूट करते हैं तो कार्मिक पार्टिकल से, मतलब क्या है कि हमें मटेरियल चीज और इस चीज से जोड़ते हैं तो हम अपना कार्मिक पार्ट क्या करते हैं, कर्म को दूषित कर लेते हैं और हमें कई जन्म लेना पड़ता है। तो आठ तरह के कर्म हैं जिसमें कि पहला चार तरह का जो कर्म है उसे घटी कर्म कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल क्वालिटीज है सोल के, और लास्ट फोर कर्म है जिसे अघटी कर्म कहा जाता है। तो ये भी आप जान लीजिए, घटी एंड अघटी कर्म, ये क्या है कर्म। तो आठ कर्म है, एट में से चार जो है वो घटी और चार अघटी कर्म है क्योंकि वो बॉडी और सोल से जुड़े हुए हैं, ये बॉडी और सोल से जुड़े हुए हैं। घटी कर्म जो है क्वालिटी ऑफ सोल है, आत्मा की के गुण है क्वालिटी ऑफ सोल, और ये बॉडी से जुड़ा है अघटी कर्म, ठीक है, बॉडी ऑफ द सोल, बॉडी ऑफ द सोल ऑफ द सोल मतलब जो आत्मा है जिस शरीर में है उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई अपने आठों कर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और कार्मिक जो भी उसके द्रव्य का प्रवाह, कार्मिक पार्टिकल्स जो भी होता है वो हट जाता है, साफ हो जाता है, तो वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे एनलाइटेनमेंट मिल जाता है और उसे फिर रीबर्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, नियरेस्ट कोशा। तो जैन दर्शन के अनुसार क्या होता है कि एक बार हिंदी में हम लोग समझ लें कि सम्यक ज्ञान विश्वास और आचरण से ताजा कर्म का द्रव्य कर्म द्रव्य का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तो जैन अपने धर्म को शाश्वत और अविनाशी मानते हैं, उनका कहना है कि जब त्रुटि हम करते हैं तो वो अंधेरा हमारे सत्य को ढक देता है, इसके लिए तीर्थंकर बार बार प्रकट होते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है कि ब्रिज निर्माता, सेतु निर्माता। तो तीर्थंकर क्या करते हैं कि लोगों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके सागर के पार ले जाने वाले सेतु हैं, ब्रिज हैं, 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने समय समय पर आकर उनके विश्वास को जीवंत किया है। पहले तीर्थंकर ऋषभ थे और दूसरा लास्ट थे महावीर। जैन मुक्ति के मार्ग को तीन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं जिसे तीन रत्न कहा जाता है सब में। तो ये तीनों रत्न हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं जो कि ये है कि नियरेस्ट कोशा टू आत्मन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी। अब जैन के बाद हम वेदांत फिलोसफी में आ गए। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का निकटतम कोश को क्या कहा जाता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये योगिक पर्सपेक्टिव में योग दर्शन छह दर्शन में से एक दर्शन है फिलोसफी का जो हमने देखा है, तो इस पे अलग से ही हमने वीडियो बनाया है। तो ये छह दो जो हैं छह दर्शन कौन कौन से हैं, वैशेषिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक, और दूसरा न्याय दर्शन जो गौतम के द्वारा था
पहला था वैशेषिक का, जो कर्णों का था, सांख्य दर्शन जो था कपिल मुनि का था, योग दर्शन पतंजलि और मीमांसा जैमिनी के द्वारा, और वेदांत दर्शन बादरायन का दिया हुआ है। तो वेदांत दर्शन किसका दिया हुआ है? बादरायन, ये आप याद रखेंगे, ये भी आता है बादरायन, ठीक है। मीमांसा दिया गया है जैमिनी के द्वारा, हम सब दर्शन करते हैं। वैशेषिका, शेषिका दर्शन जो था छह दर्शन में वो कन्वा, न्याय दर्शन जो था, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन तो सब जानते हैं इतना पतंजलि का योग होता रहता है, मीमांसा है, मीमांसा जैमिनी का, और छठा है वेदांत जो हमने लिखा वादरायण। ठीक है, तो ये छह जो फिलॉसफी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी क्या क्या है? सांख्य और वेदांत, ये दो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी और वेदांत, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो क्या चीज के बारे में बताता है? कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी और माइंड, और ये सांख्य फिलॉसफी का पतंजलि पर बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था, और वेदांत जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है अल्टीमेट अटेनमेंट जो योग से प्राप्त हो सकता है। तो योगिक अप्रोच जो है वो हेल्थ का कंसंट्रेशन किस चीज में है? इंटीग्रेशन है, माइंड बॉडी एंड सोल का बैलेंस को इस्टेब्लिश करने में। तो योगिक फिलॉसफी बोलता है कि ह्यूमन बॉडी तीन पार्ट में क्या क्या चीज से बना है? तो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन है वैदिक ह्यूमन बॉडी के बारे में, वैदिक फिलॉसफी का कहना है योगिक फिलॉसफी। योगिक फिलॉसफी मानता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो फिजिकल, इसके थ्री पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, पहला है फिजिकल, दूसरा है एस्ट्रल, और तीसरा है कॉजल। तो ये जो तीनों पार्ट है ना वो फिर पांच कोष में बांटे गए हैं, फर्दर फाइव कोष में इन्हीं को बांटा गया है। ठीक है, तो ये पांच तीन पार्ट जो बॉडी के हैं, ह्यूमन बॉडी के, फिजिकल एस्ट्रल एंड कॉजल, जिसको पांच कोष में बांटा गया है। तो पहला है अन्नमय कोष, पहला है अन्नमय कोष क्या होता है? ये है अन्न, जैसे फूड जो कि वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल बॉडी का, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अन्नमय कोष। ये बोलता है कि हमारा बॉडी जो भी खाना खाता है वो बॉडी के हर सेल में पहुंचता है और एनर्जी देता है, और ये इस तरह से हमारा बॉडी बनता है। तो ये फिजिकल शीत कहलाया। दूसरा है मनोमय कोष। मनोमय कोष में क्या होता है? ये माइंड को बताता है, ये बॉडी को फिजिकल बताया, ठीक है, और ये हो गया मनोमय कोष। मनोमय कोष में क्या होता है कि मेंटल, ये मेंटल शीत को बताता, इसमें होता है कि ये सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह, जहाँ अन्नमय कोष क्या है? हार्डवेयर, और मनोमय कोष है सॉफ्टवेयर, जिससे ब्रेन कहते हैं हम, बॉडी का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, और अन्नमय कोष हार्डवेयर या मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, इससे हम कम्युनिकेट करते अपने सेंसेशंस को एक्सटर्नल वर्ल्ड टू इंटेलेक्चुअल सीट तक, अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष जो है ना वो वाइटल सेत कहलाता है, ये मेंटल हुआ, ये फिजिकल, ये वाइटल। इसमें क्या होता है कि अन्नमय कोष और मनोमय कोष जब तब तक काम नहीं कर सकते हैं जबकि जब तक उन्हें प्राणमय कोष या एनर्जी ना मिले, एनर्जी या ये बॉडी के लिए वाइटल है, ये वाइटल
किस चीज से बना हुआ है? पांच प्राण, पांच प्राण में पांच लाइफ एनर्जीज हैं, पांच लाइफ एनर्जीज जिसका कि फिजिकल बॉडी के काम में करने में इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। तो ये पांच वाइटल प्राण या ब्रीथ ऑफ प्राण वायु किसे कहते हैं? ये कंज्वाइंट फाइव सटल ऑर्गन्स। इसमें क्या क्या है? स्पीच, हैंड एंड ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन एंड प्रोक्रिएशन एंड लेग्स, हैंड लेग्स और ऑर्गन्स ऑफ इवैक्यूएशन एंड प्रोक्रिएशन एंड ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है, जिनका ग्रॉस काउंटरपार्ट फिजिकल बॉडी में होता है। फिर है विज्ञमय कोष, विज्ञमय कोष जो है वो विस्टम होता है। विज्ञमय कोष जो होता है विज्ञमय कोष, ये हमारा बुद्धि या इंटेलेक्ट हुआ, इसको हम विस्डम कहते हैं या इंटेलेक्ट कहते हैं। ये रेडियंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की कॉन्शियसनेस को बताता है। ये माइंड, इसमें क्या क्या चीज होता है? माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और पांच ऑर्गन्स इसके परसेप्शन के होते हैं। तो ये जजमेंटल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर होता है आनंदमय कोष, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ आनंदमय कोष। ये क्या है कि ये सभी कोषों का इनर लेयर है और वो क्या है कि ब्लिसफुलनेस, जो आत्मा की प्रसन्नता को बताता है। ये सटल भी होता है और सूक्ष्म और ग्रॉस बॉडी दोनों का कॉज होता है और ये सब में हार्मोनी लाता है, ये सारे जो बाकी के चार हैं सब में। तो इसमें अद्वैत वेदांत में आनंदमय कोष को इनर मोस्ट कोष बताया गया है, ठीक है। नियरेस्ट कोष जो होता है ना उसको किसको बताया गया है? आनंदमय कोष को बताया गया है, इसलिए इसका आंसर है डी। तो नियरेस्ट कोष क्या हुआ? आनंदमय कोष हुआ। तो भारत में छह प्रमुख दर्शन हैं ब्रह्मांड संबंधी प्रणाली में, ये हैं वैशेषिक, कणाद के द्वारा, कणाद कानूनी कणाद के द्वारा जो था वो उसे कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, पतंजलि के द्वारा योग और जैमिनी के द्वारा मीमांसा और वेदांत बादरायन के द्वारा। छह दर्शन में योग के लिए सांख्य और वेदांत सबसे महत्वपूर्ण है। सांख्य क्या है? शरीर और मन के घटकों का ज्ञान प्रदान करता है सांख्य में, प्रकृति पुरुष ये सब। और वेदांत हमें योग और अभ्यास के द्वारा परम सिद्धि के बारे में समझाता है। तो योग का दृष्टिकोण है क्या? स्वास्थ्य को शरीर और मन और आत्मा के बीच में एकीकरण, सामंजस्य और संतुलन स्थापित करता है। योग दर्शन का मानना है कि मनुष्य का शरीर शारीरिक, स्थल और करणीय तीन भागों में बांटा गया है। और आगे का सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, उस समय अन्नमय मनोमय कोष, ये सारे कोष को हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन लेज स्ट्रेस ऑन इनकल्केशन ऑफ विच ऑफ द वैल्यूज। इस्लामी परंपरा में जो शिक्षा दी जाती है उसमें किन मूल्यों के समावेश पर जोर देती है? विनम्रता और बड़प्पन, ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी, इक्वलिटी एंड इक्विटी, समानता और समता। इक्विटी का मतलब हो गया यहाँ समता। तीसरा है फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, स्वतंत्रता और अनुशासन। और चौथा है क्वालिटी एंड एक्सेलेंस। तो इस्लाम और ह्यूमन वैल्यूज, जैसे इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या है कि धर्म जो है वो जब से पहला व्यक्ति आया है तब से धर्म है, इस्लामिक ट्रेडिशन का मानना है। तो इस ट्रेडिशन, इस परंपरा के अनुसार मैसेंजर्स जो हैं गॉड के आते हैं और समय समय पर और अपने गॉड के संदेश को लाते हैं। तो इस्लाम इन प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रॉफेट मोहम्मद के रूप में अभी यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में हैं। इस्लाम में इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन और सरेंडर करना, ये आज्ञा का पालन करना, सरेंडर करना ये करता है कम भग अल्लाह के
आप अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी उनका आज्ञाकारी होना। तो देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो ये जो मुस्लिम शिक्षा या ट्रेडिशन का फेथ है, उनका कहना है कि एक सिंगल पावरफुल गॉड पर विश्वास करना, जो कि किसी मतलब सिर्फ एक अल्लाह एक ही है, वो उसके साथ वो किसी से अपने पावर को शेयर नहीं करते हैं, वो गॉड के एंजल्स हैं। और कुरान जो है वो भगवान अल्लाह की लास्ट बुक है, मतलब उसके अलावा और कोई बुक नहीं है। लास्ट बुक ऑफ ये बुक्स ऑफ गॉड है और कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ गॉड। और ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट्स पे बिलीव करना, और प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट। आई बिलीव दैट देयर इज लाइफ, डेथ के बाद भी लाइफ है, और वहां पर एक डे ऑफ मिलेगा जजमेंट, उसके बाद वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इस्लामिक नॉलेज क्रिएटेड एन अवेयरनेस ऑफ मैनकाइंड राइट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सोशल जस्टिस, कोऑपरेशन एंड ह्यूमन डिसिप्लिन। तो ह्यूमन वैल्यूज को इसमें सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू दिया गया है, तो इस्लाम बिलीव्स इन ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी। ठीक है, तो ये सब विश्वास करता है विनम्रता और बड़प्पन पे। उनका कहना है कि मोर स्टूडेंट्स को ये मोरल वैल्यूज बताते हैं और उनमें ये मोरल वैल्यूज भरते हैं बाय उनके आदतों को सुधार के और उनकी व्यक्तित्व को उनको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाते हैं और उनमें अच्छे गुणों का विकास करते हैं, उनमें विनम्रता का गुण लाता है। सो दैट स्टूडेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति में क्लास, जेंडर तो मतलब जाति, लिंग, वर्ग और रेस में भेदभाव ना कर सकें, और उसके बाद वो ह्यूमिलिटी और नोबिलिटी, उसके बाद वो हर इसलिए सबको बड़प्पन भी मतलब इस मूल्य बड़प्पन के मूल्य पर भी वो जोर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है इस्लाम का ह्यूमन काइंड में, कि इक्वलिटी पर भी ये समानता पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, किसी भी तरह का विभेदीकरण नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। कुरान से कहा गया है कि प्रॉफिट का मिशन है जस्टिस, न्याय की व्यवस्था करना, सामाजिक एक समानता लाना और क्लास बैरियर को ख़त्म करना, पीसफुल और हारमोनी पर भी जोर देता है, फैमिली टाइज और पेरेंट के रिक्वेस्ट पर जोर देता है, ज्ञान नॉलेज को अक्वायर करना के लिए प्रॉफिट हमेशा अपने फॉलोवर्स को कहते हैं और सच्चाई पे चलने की बात करते हैं। तो इस तरह से जो है कि इस्लामिक ट्रेडिशन जो है ना, ये इस्लामी परंपरा के अनुसार धर्म पृथ्वी पर इंसानों के समय से है, और इस कोई भारत ईश्वर का कोई दूत समय समय पर ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। तो इस्लाम का अर्थ है समर्पण, समर्पण और आज्ञाकारिता। तो यह अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता में विश्वास करता है, और ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और एक मुसलमान ये एकल सर्वशक्तिमान ईश्वर में अपने विश्वास करता है, और वो शक्ति किसी के साथ अपने पावर को साझा नहीं करता है। ईश्वर की पुस्तकों और कुरान को ईश्वर के अंतिम पुस्तक के रूप में मानते हैं ये, और पैगंबर की परंपरा में विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद जीवन है और एक दिन छुट्टी होगी। इस्लामी ज्ञान मानव जाति में सभी में विनम्रता और बड़प्पन की परंपराओं और मूल्यों के समावेश को समावेश करने पर जोर देती है। अगला है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान व्यवहार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है? तो स्टर्नबर्ग का कहना है, पहले इसका आंसर को हम टिक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कन्फ्रंटिंग नोबल टास्क एंड सिचुएशंस ऑफ लर्निंग टू डील विद देम। ऊपर मतलब क्या है, नए कार्य
नए कार्यों उनसे निपटने के लिए सीखने कार्य और स्थिति से निपटने के लिए सीखने की स्थितियों का सामना करना, कन्फ्रंटिंग नोबल टास्क, नए कार्य करना और सिचुएशन नए सिचुएशंस को में डील करना। स्टर्नबर्ग ने मानव इंटेलिजेंस को एक कॉग्निटिव एक ज्ञानात्मक एबिलिटी बताया और वो उन्होंने कहा कि एबिलिटी कैसी एबिलिटी है, तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू रीजन वेल, टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग। उनका कहना था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मानवीय बुद्धि जो है वो क्या है, एक अधिगम की योग्यता है और ये क्या बताता है, ये ऐसी योग्यता है जो मनुष्य को अपने अनुभव से सीखने की योग्यता प्रदान करती है, उसको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है और जो दैनिक जीवन की जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में उनकी क्षमता को डेवलप करती है। तो इसका उनका कहना है कि ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता, ज्ञान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नॉलेज, स्मरण शक्ति, मेमोरी और सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू, और किसी भी जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उस सराउंडिंग में अपने को अडाप्ट करना, उसमें एडजस्ट करना। तो इंटेलिजेंस को उन्होंने कहा कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने एनवायरमेंटल चेंज के साथ किस तरह डील करता है अपने लाइफ में, पूरे जीवन में वो जिस वातावरण में रहता है उसके साथ किस तरह एडजस्ट करता है। तो स्टर्नबर्ग ने ट्राईआर्किक थ्योरी इंटेलिजेंस का बनाया, जिसमें कि ये मैंने अलग से वीडियो नहीं बताया इसलिए मैं ट्राईआर्किक थ्योरी को अच्छे से बता दे रही हूँ। ट्राईआर्किक थ्योरी में उन्होंने तीन चीज बताया, कंपोनेंशियल थ्योरी, इनिशियल थ्योरी जिसमें, और दूसरा सब थ्योरी, कंपोनेंशियल सब थ्योरी ट्राईआर्किक थ्योरी में ये है, और दूसरा है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, तीसरा है कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कॉम्पोनेंशियल थ्योरी में परफॉर्मेंस नॉलेज एक्विजिशन आता है, एक्सपीरियंशियल में आता है नई चीज और ऑटोमेशन, कुछ नया चीज को करना, और कॉन्टेक्चुअल में है कि अडाप्ट करना, सेलेक्ट करना और शेप करना। तो स्टर्नबर्ग का कहना है कि कन्फ्रंटिंग नोवेल टास्क, नया टास्क को कन्फ्रंट करना और लर्निंग को, नया टास्क और सिचुएशन को कन्फ्रंट करके लर्निंग का जो भी नया सिचुएशन आए उसको कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना और उससे सीखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट गोल है इंटेलिजेंट बिहेवियर को सीखने के लिए। कहा गया कि इस थ्योरी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एज इन द केस ऑफ एनालिटिकल इंटेलिजेंस, रेदर ये कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहा है ये थ्योरी। और जो क्या है कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, जो व्यक्ति एवरीडे अपने जीवन में के कार्यों को परफॉर्म करने में फोकस करता है, किस तरह का इंटेलिजेंस अप्लाई करता है, इस पर ये जोर दे रहा है। ये उस तरह के इंटेलिजेंस को नहीं जोर देता है ये थ्योरी जो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, मतलब जो पहले डिफाइन किया गया है। ये क्या है कि अपने सराउंडिंग में आदमी किस तरह से एडजस्ट कर रहा है, किस तरह से अडाप्ट कर रहा है और किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे जोर देता है। तो ये प्रेजेंटिंग ये थॉट और आइडिया और जो भी किसी सिचुएशन में इश्यूज है उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, इसे हम ये ट्राईआर्किक थ्योरी जो है स्टर्नबर्ग का वो इस पर जोर देता है। तो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है ना, तीन टाइप का इंटेलिजेंस है स्टर्नबर्ग के अनुसार। स्टर्नबर्ग के अनुसार तीन तरह का इंटेलिजेंस है, पहला है एनालिटिकल या कंपोनेंशियल, है ना। ये दो, तो इसमें क्या है
कि ये किस तरह का इंटेलिजेंस बता रहा है, ये उस तरह की एबिलिटी बता रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को कंपोनेंट्स में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उनको एनालाइज करना थिंग्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्या है इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट के, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर उन्हें एनालाइज करना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये क्या है, ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्चुअल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था, एंड ये एकेडमिक अचीवमेंट पर ज्यादा जोर देता है। ये इसको कहते हैं कि बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बींग बुक स्मार्ट। ये टर्म पूछा जा सकता है कि बुक स्मार्ट किसकी थ्योरी में है, तो आपको लिखना होगा स्टर्नबर्ग की थ्योरी में। और ये कहता है कि दे आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब क्या है कि किताब पढ़कर वो स्मार्टली किसी भी चीज को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस या एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट, इसमें तीन कंपोनेंट होता है, इसका तीन है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन। एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं और इससे क्या होगा कि साथ साथ हम स्टर्नबर्ग की थ्योरी को भी समझ रहे हैं। तो मेटा कंपोनेंट क्या है, ये जो ये मेजर है, ये दोनों और जो दो कंपोनेंट है, मेटा कंपोनेंट परफॉर्मेंस और नॉलेज कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल करता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को, ये बताता है कि जो भी परफॉर्मेंस कंपोनेंट है, ये मेटा कंपोनेंट है, वो बताता है कि क्या करना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या करता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में या सेल्फ सॉल्व करने में किसी समस्या को मदद करता है। तो ये अटेंशन, कोडिंग, मेमोरी आ गया परफॉर्मेंस कंपोनेंट, और मेटा कंपोनेंट ये दोनों कंपोनेंट को मॉनिटर करता है, ये बताता है दोनों को कि क्या करना है। और ये नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट जो है वो नॉलेज को एक्वायर करने का डिफरेंट स्ट्रेटजीज में उनको यूज करने में मदद करता है। तो कंपोनेंशियल हो गया या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये स्टर्नबर्ग का पहला पार्ट हुआ। दूसरा है एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि ये नया कोई तरीका, नया वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ नोवाइस खोजने की में मदद करता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग पर जोर देता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस ढूंढ कर निकालना। तो इसलिए क्या करता है कि अपने पहले के ज्ञान को नए आइडियाज के साथ जोड़कर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अपने पूर्व ज्ञान की हेल्प से नए आइडियाज को के साथ मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसमें दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है जिसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ। इसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है ऑटोमेशन और दूसरा है न्यू आइडियाज, ठीक है, या नोबेल आइडियाज। तो ऑटोमेशन का मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप आ जाता है, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा अटेंशन देने का जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा एनर्जी लगाने के लिए, वो दूसरे दूसरे प्रोसेस के साथ साथ चलते रहते हैं। और ये जो न्यू आइडियाज़ है या नोवेल आइडियाज़ है, ये इंडिविजुअल को अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को यूज करके, मतलब अपने ज्ञान से कुछ नया आइडियाज को लाने में मदद करता है। तीसरा है कॉन्टेक्स्चुअल। कॉन्टेक्स्चुअल में क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया एनालिटिकल, ये हो गया क्रिएटिव, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ देता है, नए आइडियाज लाता है, ये कॉन्टेक्स्चुअल हो गया। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको आप इफेक्टिवली यूज करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली यूज करते हैं इफेक्टिवली। और ये इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। उसमें बुक स्मार्ट था किताब से पढ़ के, इसे स्ट्रीट स्मार्ट करने का मतलब है कि आप यहाँ कॉमन सेंस यूज करते हैं। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रीट स्मार्ट
में क्या होता है, वो कॉमन सेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी ऐसे में क्या होता है कि ऐसे इंटेलिजेंट जो होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि किसी भी सिचुएशन को वो अंडरस्टैंड करे और उसको सॉल्व कर ले। तो ये स्ट्रीट स्मार्ट, बुक स्मार्ट में हुआ, किताब पढ़कर एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये एबिलिटी क्या है, ये अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना, चेंज करना, किसी भी तरह का रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, इसीलिए इसमें स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार कॉन्फ्रंटिंग नेवल टास्क एंड सिचुएशन टू लर्न टू डील विद देम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग बिहेवियर्स, का आंसर ये हुआ। और इसी के साथ साथ हम स्टर्नबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी भी समझ लिए, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। इसमें दो चीज आपने लिखा, आपने सीखा बुक स्मार्ट में क्या होता है, किस तरह का इंटेलिजेंस होता है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और स्ट्रीट स्मार्ट में कॉन्टेक्चुअल, स्ट्रीट स्मार्ट में कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, और एक्सपीरियंशियल में क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। अगला क्वेश्चन है, In a research study, the variable which is not directly observable but whose effect inferred on the independent variable is termed as X. So, the अध्ययन में जो चर प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है लेकिन उसका प्रभाव आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिख रहा है, अनुमानित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कहते जो भी चीज वेरिएबल मतलब जो बदल सकती है, जो चीज जिसकी मात्रा बदल सकती है, जिसका नंबर होता है, जिसका डिफरेंट वैल्यू होता है, जो बदलता रहता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल टेंजिबल भी हो सकता है, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या देख सकते हैं। वेरिएबल जो चर होता है उसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और उसे हम देख भी सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बहुत तरह के वेरिएबल होते हैं। तो एक्सट्रैनियस वेरिएबल जो पहला है उसे हम क्या कहते हैं कि जो भी वेरिएबल वो रिलेशनशिप दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को मास्क करता है या ढक लेता है, उसे कहते हैं हम एक्सट्रैनियस वेरिएबल। मतलब क्या है कि एक्सट्रैनियस वेरिएबल या बाहरी चर जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली ये डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए एक्सट्रैनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि वो किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन हो सकता है और रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल जो होता है, जो रिसर्च करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा वेरिएबल किसके रिलेशन में चेंज करेगा। दूसरा है मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेट वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है कि वो मॉड्यूलेट करता है या टेम्पर करता है इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल में, एक मॉडरेट वेरिएबल। तो मॉडरेट वेरिएबल एक रिलेशनशिप जब किसी के पास है तो उसमें क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव अगर यूज होता है, इज यूज या तो क्वांटिटेटिव, ज़्यादा ये एक्सक्लूसिवली क्वांटिटेटिव में यूज होता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल ये इसलिए यूजफुल होते हैं कि वो दो वेरिएबल के बीच में लिंक बताते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें मॉडरेटर भी कभी कभी कहा जाता है। ये वेरिएबल एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है या एसोसिएशन है उसका वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। अगला है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है ना, यही आंसर है इसका। इंटरवेनिंग वेरिएबल हस्तक्षेप करता है, इस जैसा नाम से है। तो ये एक काल्पनिक वेरिएबल होता है जो कि दो अदर वेरिएबल के बीच में जो क्या करता है कि कॉजल लिंक्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो दिखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं होता एक्सपेरिमेंट में, इसलिए ये काल्पनिक होता है क्योंकि ये इसे देख नहीं सकते। जैसे कि अगर हम
रिलेशन अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई आदमी गरीब है इसलिए और उसकी जिंदगी छोटी है, उम्र छोटी है या जिंदगी कम है, जीवन मतलब लाइफ उसका लाइफ स्पैन कम है तो क्यों है, तो इसका मतलब ये वो पुअर है इसलिए कम है, ये हम इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते इसको हम कि अगर वो गरीब है तो वो जल्दी मर जाएगा, बल्कि दूसरे भी कोई जो काल्पनिक वेरिएबल हैं उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने में, इसलिए इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होते हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये हो सकता है इस केस में कि वो हेल्थ केयर नहीं मिल रहा हो या उसका खाना का सही खाना से पोषण नहीं मिल रहा हो इसलिए वो उसकी डेथ हुई, तो इस ये दिख नहीं रहा है, बस ये बता रहा है कि एसोसिएशन बता रहा है कि गरीब है इसलिए उसका उसकी जिंदगी मतलब लाइफ स्पैन कम है और इसका रीज़न कुछ भी होता है जो दिख नहीं रहा है, तो ये इसे हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट से अलग माना जाता है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब क्या है रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो ऑब्जर्व किया जाता है वो समरी उसका समरी होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल यूजफुल होता है कब, जब रिलेशनशिप बहुत सारा रिलेशनशिप को नंबर ऑफ रिलेशनशिप को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि हम 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ऑफ ईटिंग द यूज ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है कि हंगर क्या होता है कि बहुत सारा रिलेशनशिप को जो भी एक्सप्लेन किया गया है उसमें से उसको रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए इसे हम इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं और यही इसको प्रभावित करता है, तो इसका आंसर तो यही हुआ। और ट्रीटमेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये ट्रीटमेंट वेरिएबल ही इसको ज़्यादा कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और देखता है कि ट्रीटमेंट ग्रुप वेरिएबल्स को एक ट्रीटमेंट और एक दो ग्रुप में बांट देता है और एक पर वो एक्सपेरिमेंट करता है जिसे ट्रीटमेंट ग्रुप करता है, एक ट्रेडिशनल ग्रुप होता है तो उसके इफेक्ट को देखता है, तो ये मैनिपुलेटेड होता है, इसलिए इसका आंसर है इंटरवीनिंग वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन अप्रोच टू वैलिडेट इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज एंड रिजल्ट इन ए रिसर्च स्टडी टेक्निकली नोन एज, एक शोध अध्ययन में सूचना और रणनीति के परिणामों को मान्य करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के संयोजन को तकनीकी रूप से माना जाता है, मेटा एनालिसिस, ट्रायंगुलेशन, ट्रेंड एनालिसिस एंड क्रॉस वैलिडेशन। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ट्रायंगुलेशन ही इसका आंसर है और पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ त्रिभुज नहीं होगा त्रिगुणायत होता है इसका, इट इज अ सिग्निफिकेंट टेक्निक। ट्रायंगुलेशन क्या है, जिसमें ऑफ वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन का टेक्निक है, वेरिफिकेशन टेक्निक है जो कि जहां रिसर्चर बहुत सारा डिफरेंट सोर्सेज को यूज करता है, मेथड्स और थ्योरीज को यूज करता है ताकि वो सही एविडेंस दे सके। इसमें क्या है कि कंपेयर होता है, क्रॉस चेकिंग होता है डेटा की कंसिस्टेंसी को, जो कि हम डेटा डिफरेंट मीन्स से लाते हैं क्वालिटेटिव मेथड में, तो इसमें हम जैसे क्या होता है जैसे कंपेयर करते हैं ऑब्जर्वेशनल डेटा जो हमने ऑब्जर्व किया और इंटरव्यू डेटा दोनों में कंपेयर करते हैं, या क्वेश्चनायर डेटा और ऑब्जर्वेशनल डेटा में कंपेयर करते हैं, तो इस ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा सोर्स क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड में वो कंसिस्टेंट पिक्चर नहीं देता, तो ट्रायंगुलेशन क्या हेल्प करता है कि कहाँ पर डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, क्योंकि कंसिस्टेंसी को हम चेक करते हैं अबाउट किसी भी पीरियड में लंबे टाइम तक पार्टिसिपेंट का प्रोग्राम या उनका परफॉर्मेंस या उनका ओपिनियन का कंसिस्टेंसी, या ओपिनियन जो है पार्टिसिपेंट का किसी प्रोग्राम के लिए और दूसरे जो उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड हैं उन दोनों के ओपिनियन को कंपेयर करने में, ठीक है, तो ये हुआ ट्रायंगुलेशन।
मेटा एनालिसिस क्या है? मेटा एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो कि रिजल्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज के जो भी रिजल्ट होते हैं उनको कंबाइन करने में मदद करता है। इसमें इवेल्युएशन करते हैं, ये इसमें क्या क्या होता है, इवेल्युएशन होता है जो कि, और रिजल्ट जो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टडीज के रिजल्ट होते हैं उनको समराइज करते हैं। और इस टाइप की स्टडी जो है वो नई अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम में लाती है या समझने में नए तरीके से मदद करती है। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? वो कहता है टेंडेंसी, किसी भी तरह का जिस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चेंज का क्या ट्रेंड है, क्या टेंडेंसी है, तो इसे हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन एक डेमोग्राफी टेक्निक है, जनसंख्या का टेक्निक है। अप्रेजल ऑफ correlates to classification technique by partitioning the given set of data. जो भी data है उसको two part में बांटे और उसके बाद one part को हम model के बनाने के लिए use करते हैं और other को class level या data को test करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम triangulation को हम त्रिकोणीयकरण कहते हैं। जहाँ सत्यापन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है त्रिकोणीयकरण, जहाँ शोधकर्ता क्या करता है कि पुष्टि करने के लिए जो भी साक्ष्य मिलता है उसके लिए कई स्रोत, कई विधियों और सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसमें क्वालिटेटिव मेथड के साथ प्रयोग करके अलग अलग समय पर अलग अलग माध्यम से जो डेटा प्राप्त होता है उसका चेकिंग और क्रॉस चेकिंग करता है, जैसे साक्षात्कार का डेटा के साथ ऑब्जर्वेशन का डेटा को तुलना करना, प्रश्नावली के डेटा के साथ ऑब्जर्वेशन के डेटा को तुलना करना, ये इसलिए इसका आंसर है ट्रायंगुलेशन। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर आर 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। अगर हर रो को 3 से इंक्रीज किया जाए तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, हमें ये बतलाना है। तो इसको हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए। तो हम मान के चलते हैं इसका मीन क्या है। मीन जो है वो सभी जितने भी क्वांटिटीज है, मात्रा है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से, तो ये सिंपल एवरेज हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये बताता है हमें कि मीन से कितना नंबर्स किस तरह से डेविएट कर रहे हैं या डिस्पर्स कर रहे हैं। तो इसने बताया कि 4 ऑब्जर्वेशन है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट x1 x2 x3 एंड x4 विल बी द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देन मीन्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन है तो मीन ऑफ दीज x1 x2 x3 एंड x4 ऑब्जर्वेशंस विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। मीन तो ऐसे ही निकलता है। अब कहता है कि ईच स्कोर इंक्रीज्ड बाई 3, क्वेश्चन में था ईच स्कोर, आप क्वेश्चन देख लेंगे, इंक्रीज्ड बाई 3, हर स्कोर 3 से बढ़ा 3। तो मीन पहला हो गया x1, हर स्कोर 3 से बढ़ा, प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस x4 प्लस 3, सब 3 से बढ़ा, डिवाइडेड बाई 4। अब हमारा मीन क्या हो जाएगा, ये 4, ये 4 है, मीन विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस एक्स फोर, ये सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर अब मीन अगला हो जाएगा हमारा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम इधर कर दें प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बिकम 3। सो मीन विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। तो मीन ऑल्सो इंक्रीज बाय 3, तो मीन भी 3 के बढ़ेगा। तो मीन हमारा गिवन मीन क्या था, गिवन मीन इज 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। ठीक है, तो देयरफॉर मीन विल इंक्रीज, क्योंकि ये हमारा गिवन मीन है, ये गिवन मीन है, ये 3 से बढ़ा तो मीन हमारा क्या था 50 प्लस 3, सो इट विल बी 53 विल इंक्रीज बाय 3। तो व्हेन एडिंग एंड सब्सट्रैक्ट, जब किसी भी कांस्टेंट से, किसी डिस्ट्रीब्यूशन से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी कांस्टेंट को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो मीन क्या होगा, सेम अमाउंट में चेंज होगा जितना अमाउंट को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा कि अनचेंज रहेगा। तो व्हेन, जब हम वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए कांस्टेंट, या कांस्टेंट हमारा 3 है, फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन द मीन विल चेंज बाय द सेम अमाउंट। Same amount as the constant. ठीक है, तो standard deviation will remain same. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मीन विल इंक्रीज बाय 3, देयरफॉर एंड विल बी 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53 एंड SD विल remain same, that is 10. So answer is 53 and 10. हम चले पीछे क्वेश्चन पर, आंसर को टिक करने, क्लियर है? So answer is C. मतलब क्या है कि मीन जितना नंबर से बढ़ेगा वो मीन, वो मीन क्या है कि अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो मीन भी उतना नंबर से बढ़ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वही रह जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।